सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग? एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम आपको फेस स्मूथ एडिटिंग करना सिखाएंगे और फेस को गोरा करना बताएंगे, वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर गाइज, और बैकग्राउंड को भी चेंज करना बताएंगे, सब कुछ बताएंगे फुल डिटेल में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से फोटो एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। और इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लीजिएगा अपने फोटो को। शेयर करने के बाद यहाँ से टूल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस टूल वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड टूल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्यून इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। ट्यून इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे में आना होगा। तो नीचे में स्क्रॉल करके आइएगा तो कंट्रास्ट का ऑप्शन देखिएगा। कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस कर दीजिएगा, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा एंड यहाँ से एम्बियंस को भी बढ़ा दीजिएगा। तो सैचुरेशन को माइनस करते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, आपको 3-4 के आसपास बढ़ाइएगा आप अपने फ़ोटो के हिसाब से, क्योंकि हमें फेस को गोरा करना है, यानी कि फेस को वाइट करना है, येलो नहीं। तो सिंपली हम फेस को वाइट करेंगे। तो यहाँ से शेडोज़ को भी बढ़ा लीजिएगा और हाईलाइट को भी बढ़ा लीजिएगा। तो इतना कर देने के बाद गाइस यहाँ से हम कर देते हैं एक बार डन। तो यहाँ से कर दीजिएगा डन। तो डन करने के बाद देख सकते हो गाइस अभी थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस फेस थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ चुका है। एंड फिर से टूल ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से सेलेक्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे। सेलेक्ट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद गाइस वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको फेस में ब्लैक दिख रहा है, यानी कि हमें फेस पे ब्लैक वाइट करना है, फेस को वाइट करना है। सिंपली आपको इस वाले प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है जहाँ पे आपको इसका ब्राइटनेस बढ़ाना होगा। तो वहाँ पे टाइप करके इस तरह से ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा साइज़ को छोटा कर करके, इस तरह से जिस तरह से हम साइज़ को छोटा करके जितना दूर में ब्राइटनेस को बढ़ाना है उतना दूर में ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। और जहाँ जहाँ बढ़ाना है आपको उस तरह से टाइप कर करके गाइस यहाँ पे आपको इस तरह से बढ़ा लेना होगा। तो चलिए हम फटाक से बढ़ा लेते हैं और आप भी कुछ इसी टाइप से ब्राइटनेस को बढ़ा करके फेस को पहले को वाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस फेस को हम किस तरह से वाइट कर दिए बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, यहाँ पे फेस हमारा गोरा हो चुका है। सो इतना कर देने के बाद गाइस हमें बैकग्राउंड को चेंज करना होगा। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फिर से टूल ऑप्शन पर जाना होगा एंड नीचे में डबल एक्सपोजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस वाले डबल एक्सपोजर पर क्लिक कीजिएगा एंड नीचे में एक प्लस वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस वाले प्लस पर क्लिक कीजिएगा। और इस वाले प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको गैलरी से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिए हैं एंड बैकग्राउंड पर टाइप करेगा इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे गाइस इसकी ऑपेसिटी को फुल कर देंगे। तो ऑपेसिटी फुल करने के लिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको एंड यहाँ पे आपकी इसकी ऑपेसिटी फुल कर देना होगा एंड इतना करने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। सो बैकग्राउंड गाइस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इतना कर लेने के बाद गाइस हमें देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है, हमारा फोटो नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आपको इस वाला फोटो पे सॉरी गाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके गाइस यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा एंड करने के बाद देख सकते हो गाइस उस वाला बैकग्राउंड हमारा हट चुका है। तो उस बैकग्राउंड को हमें रजिस्टर करना है अपने फोटो के बैकग्राउंड में। तो उससे सिंपली आपको बैकग्राउंड में रजिस्टर करने के लिए इस वाले ब्रश को सिंपली आपको 100 कर देना, यानी 100 कर देना। देख सकते हो गाइस हमारा 100 हो गया है, 100 है। तो इसको इस तरह से इरेज कीजिएगा अपने बैकग्राउंड में, तो वाला बैकग्राउंड आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस हम इस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से आपको भी रजिस्टर कर लेना होगा फटाक से। तो चलिए हम इस तरह से फटाक से रजिस्टर कर लेते हैं फर्स्ट, और इसी तरह से आपको पहले बैकग्राउंड को रजिस्टर कर लेना होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो गाइज कुछ इसी टाइप से आपको रजिस्टर कर देना होगा। तो देख सकते हो गाइज मैंने बैकग्राउंड को रजिस्टर कर दिया है वीडियो को स्किप करके, ताकि ये वीडियो लंबा ना बन पाए। और इतना कर देने के बाद यहाँ से एक बार डन करना होगा और यहाँ से बैक जाना होगा। सो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है कंप्लीट। तो टूल ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइज ऊपर में ट्यून इमेज पे फिर से आपको क्लिक कर देना होगा। इस ट्यून इमेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से गाइज कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस प्लस करके देख लीजिएगा एंड इतना कर देने के बाद गाइज यहाँ से सैचुरेशन को भी हल्का सा माइनस कर दीजिएगा। तो एंड यहाँ से गाइज एम्बियंस को भी हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। इतना कर देने के बाद देख सकते हो गाइज हमारा फेस में येलो टोन आ रहा है। तो आप जितना येलो टोन रखना चाहते होंगे तो रख लीजिएगा, या नहीं तो वाइट टोन भी रखना चाहते होंगे तो रख लीजिएगा। तो इतना करने के बाद देख सकते हो गाइज हमारा यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। तो इस फोटो को आप शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में, क्योंकि वहाँ पर गाइज हम फेस को स्मूथ करने वाले हैं। तो फेस गाइज वहाँ पर भी स्मूथ होता है, लेकिन मेरा फेस ज़्यादा खराब है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑटोडेस्क में आया हूँ। सो इतना करने के बाद इस वाला टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्मूथ करने के लिए वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे स्मूथ में आ करके एंड ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको स्मूथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा सबसे पहले, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा स्मूथ।
क्योंकि गाइज हम फेस को स्मूथ करने वाले हैं, तो स्मूथ सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ से फॉलो एंड स्ट्रेंथ को हमारे 10 के आसपास रखिएगा हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम 9-10 के आसपास रख रहे हैं दोनों को एंड इतना करने के बाद गाइज फेस को इस तरह से जूम कर लेना है। इसके बाद आपको साइज़ को सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि आपको पहले साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है और फेस को जूम करना है बाद में। तो पहले आपको फेस को जूम कर लेना होगा, इसी के बाद आपको साइज़ को सिलेक्ट करना होगा और इस तरह से गाइज अपने फेस पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो बहुत ही हिसाब का फेस स्मूथ होगा HD क्वालिटी में और इस तरह से कर लीजिएगा फेस को स्मूथ। तो देख सकते हो गाइस मेरा फेस किस तरह से अच्छे से स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इसी टाइप से कर लीजिएगा और जो भी ब्रश बताया है उसी ब्रश से कीजिएगा। तो इस तरह से हम चलिए फटाक से कर लेते हैं और आप भी कर लीजिए कुछ इसी टाइप से। तो गाइस जिस तरह से आपका फेस का ड्यूरेशन होगा उसी तरह से आपको ब्रश को ड्रॉ करना है, ये नहीं कि आपको एक में सब कुछ मिला देना है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा फेस का ड्यूरेशन किस टाइप से है और मैं ब्रश को किस तरफ से घुमा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी घुमाना होगा। तो चलिए मैंने वीडियो को स्किप करके फेस को स्मूथ कर दिया फास्ट क्योंकि ये वीडियो लंबा ना बन पाए। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा हेयर छोटा दिख रहा है, तो सिंपली आपको उसी वाला टूल पर जाना होगा और सेम उसी वाला ब्रश का सिंपली आपको फॉलो एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा देना होगा। तो हम फॉलो स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और इस तरह से साइज को छोटा करेंगे और यहाँ से गाइस हेयर से ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर। तो जिस तरह से आप हेयर को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं उस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा, सिंपली आपको हेयर पे से ड्रॉ करना होगा तभी आपका ये ब्लैक ब्लैक दिखेगा हेयर टाइप से। तो हम चलिए फटाक से कर लेते हैं ड्रॉ और इस तरह से आपका हेयर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हेयर को भी कर देते हैं अच्छे से एडिट। तो इतना कर देने के बाद गाइस यहाँ पे हम लिप्स को पेंट करेंगे। तो फाइनली हमारा इतना हो चुका है हेयर ड्रो एंड यहाँ से गाइस लिप्स को हम पेंट करने वाले हैं। लिप्स पेंट करने के लिए सिंपली आपको इस वाला कलर पे क्लिक करना होगा सर्कल पे एंड इन दोनों सर्कल को एक पास छोड़ देना होगा। यदि आप कलर आप कोई भी करना चाहते होंगे, जिस भी कलर का करना चाहते होंगे उस पर कलर पे छोड़ देना होगा। तो हम रेड कलर पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे रेड कलर ही करना है। तो इतना करने बाद इस वाला टूल पे क्लिक करना होगा। तो इस वाला टूल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से गाइस एक ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और नहीं होगा तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा ट्रेडिशनल में आ करके ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा और सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ऊपर में सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस स्मूथ नहीं आपकी बार आपको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट करना होगा। सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा एंड यहाँ से ऑपेसिटी को फुल कर दीजिएगा और अपने लिप्स को पेंट कीजिएगा। यानी कि आपको लिप्स पे जा करके साइज छोटा करके आपको इस तरह से पेंट कर देना होगा, ब्रश को ड्रॉ कर देना होगा। तो बहुत ही अच्छे से आपका लिप्स पेंट हो जाएगा और अपने आई में भी लेंस टाइप से सर्कल बना दीजिएगा। तो हम बना रहे थे फटाक से। सो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो देख सकते हो गाइस हमारा लेंस टाइप से मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया है और हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट एडिटिंग। तो यहाँ से गाइस जब हम ऑयल पेंट करने वाले हैं हेयर में और बियर्ड में तो इस फोटो को शेयर करेंगे, शेयर पे क्लिक करके यहाँ से अदर पे क्लिक करेंगे टूलविज फोटो ऐप में शेयर कर देंगे इस फोटो को। क्योंकि गाइस हम ऑयल पेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको टूलविज में आना होगा और यहाँ से गाइस इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करना होगा। सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कीजिएगा तो गाइस यहाँ पे आपको नंबर बाय नंबर आपको ऑयल पेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जिस नंबर का आप ऑयल पेंट रखना चाहते होंगे तो अपने फेस में सॉरी गाइस हेयर एंड बियर्ड में उस नंबर को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड इधर मिल रहा है तो हम यहाँ से गाइस थर्ड नंबर या सेकंड नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सेकंड नंबर वाला सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मास्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मास्क पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से क्लीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लीन हो जाने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके अपने फेस को जूम करके और बियर्ड में और यहाँ से हेयर में आपको अप्लाई कर देना होगा। तो चलिए हम फटाक से अप्लाई कर देते हैं। देख सकते हो गाइस कितना अच्छे से ऑयल पेंट हो रहा है हमारा। तो कुछ इसी टाइप से आप ऑयल पेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम फास्ट कर लेते हैं और आप भी कुछ इसी टाइप से फास्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस देख सकते हो हमने ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग कर दिया है और फेस स्मूथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे करेंगे डन। सो हमारा देख सकते हो गाइस एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। इस फोटो को सेव करने के लिए गाइस कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा गैलरी का, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा सेव हो जाएगा गैलरी में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।